हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम लेंस कौन सा बाय करें। उनका चाहे फोटो का काम हो, वीडियो का काम हो, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें फोटो और वीडियो दोनों चीज़ों का काम एक ही लेंस में हो जाए। तो ये सारे सवालों के जवाब आज मैं देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। अगर हम लेंसेज की बात करें तो लेंसेज दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं प्राइम लेंसेज और एक जूम लेंसेज, और दोनों के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट में, तो आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको लेंस कौन सा परचेस करना है। अगर हम जूम लेंसेज की बात करें, जूम लेंस में हमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है डिफरेंट फोकल लेंथ। आपको मल्टीपल लेंसेज कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 16-50 mm की बात करूँ तो उसमें आपको वाइड एंगल भी मिल रहा है, और 50 mm पर अगर आपको शूट करना है तो सेम लेंस में आप शूट कर सकते हैं। अगर मैं बजट जूम लेंसेस की बात करूं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है एपर्चर की, क्योंकि सब लोगों को बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। जो बजट लेंसेस आते हैं उसमें एपर्चर 4 से शुरू होता है, तो उसमें उतना बैकग्राउंड ब्लर नहीं आता, और अगर आप उस लेंस के साथ लो लाइट में शूट करने जाते हो तो लो लाइट में वो वीडियो क्वालिटी ला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर भी आपको अगर जूम लेंस ही लेना है तो आपको बजट थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है, अराउंड 1 lakh के आसपास आपको बजट रखना पड़ता है सिंगल लेंस के लिए। उसमें आप 24-70 mm ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लेंस है। और जो लोग बजट सेटअप डिज़ाइन कर रहे हैं उनके लिए वो लेंस अफोर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा खर्चा होता है स्टार्टिंग में, तो जूम लेंसेज के साथ वो एक दिक्कत आ जाती है। तो चलिए आप प्राइम लेंसेज के बारे में बात करते हैं। प्राइम लेंस में जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है वो है एपर्चर। अगर हम प्राइम लेंसेज के एपर्चर की बात करें तो 1.2, 1.4, 1.8 ऐसे एपर्चर हमें देखने को मिलते हैं। और प्राइजेस की मैं अगर बात करूँ, अगर आप सिग्मा में लेते हैं तो 50,000 के अंडर ही आपको सारे लेंस देखने को मिल जाते हैं। कुछ कुछ लेंसेस है जो 70-80,000 तक है, लेकिन जो मोस्टली लेंसेस यूज होते हैं सिनेमेटिक के लिए 16 mm, 24 mm, 30 mm, 35, ये जो लेंसेस है वो आपको 70-80,000 के नीचे ही मिल जाएंगे। तो सिनेमेटिक वीडियोस के लिए, फोटोज के लिए आप ये लेंसेस यूज कर सकते हैं, काफी बढ़िया क्वालिटी मिलती है इसमें। शार्पनेस के मामले में, लो लाइट परफॉर्मेंस काफी इसमें अच्छी मिलती है, और जूम लेंस के साथ वो कंपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइम लेंसेस की जो परफॉर्मेंस है वो अलग ही निकल कर आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है लेंसेस के बारे में। तो अभी बात करते हैं लेंस के बारे में कि आपको लेंस कौन सा परचेस करना चाहिए। स्पेशली अगर आप फोटो के लिए लेंस देख रहे हो तो आप 56 mm, जो मैं खुद यूज करता हूँ, वो आप ले सकते हैं। वो मैं सजेस्ट आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 56 mm अगर मैं क्रॉप सेंसर पर यूज कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट 85 mm के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो आपको 85 mm जैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो आपको 85 mm लेने की जरूरत नहीं है, आप 56 mm पर काम कर सकते हैं, काफी बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इसमें हो सकती है। और इस लेंस का प्राइस 30,000 या 35,000 के आसपास ही चलता रहता है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और अगर आपका उतना भी बजट नहीं है और अगर आपको 25,000 के अंदर एक ऑप्शन चाहिए तो सोनी का 50mm f/1.4 वो आप लेंस परचेस कर सकते हैं, उसमें भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोटो और वीडियो के लिए। आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जिसमें आपका फोटो और वीडियो दोनों का काम हो जाए। अगर आप दो लेंस परचेस कर सकते हैं तो मैं आपको दो लेंस रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले जो लेंस है वो है 16mm, और दूसरा जो है वो 30mm आप ले सकते हैं। ये जो दो लेंस है वो आपको 70,000 के आसपास मिल जाएंगे दोनों, तो आप इसमें फोटो का काम कर सकते हैं, अच्छे से वीडियो का भी काम कर सकते हैं, या आप वेडिंग सिनेमेटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं 30mm लेंस, काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। तो ये दो लेंस अगर आप रखते किट में तो आपके बहुत सारे काम इसमें हो जाते हैं। और जो लोग हार्डकोर सिनेमेटिक वीडियोस में काम करना चाहते हैं वो सिग्मा का 35mm 8 series का लेंस यूज कर सकते हैं, और उस लेंस में जो ब्लर की क्वालिटी है वो काफी बढ़िया आती है, काफी स्मूथ बोके उसमें मिलता है। तो आप 35mm के तरफ जा सकते हैं, उसमें आपका सिनेमेटिक का सारा काम हो जाएगा एक सिंगल लेंस में। आप उसमें प्री वेडिंग, वेडिंग दोनों कर सकते हैं, इवन अगर आप शॉर्ट फिल्म शूट करना चाहते हैं तो वो भी उसमें काम आपको हो जाएगा। और ये जो मैंने लेंसेस रेकमेंड किए हैं आपको, ये लेने से पहले आप अगर उसको रेंट पर लेके ट्राई कर सकते हैं तो वो कीजिए ज़रूर, क्योंकि आपको जैसे रिजल्ट चाहिए अगर वैसे उसमें मिल रहे तभी आप लेंस परचेस कीजिए, अदरवाइज लेंसेस का इन्वेस्टमेंट काफ़ी हेवी हो जाता है। तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी लेंस कौन सा हमें परचेस करना चाहिए। और अगर आपको कुछ और डाउट्स है तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।